अस्सलाम वालेकुम माय डियर फोर्थ प्राइमरी स्टूडेंट्स, फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स। देखो बेटा, पेज नंबर किस पर हैं आज हम? ये 55 पेज नंबर पर हैं हम आज। देखो, ऑन 15 मई 2006 चंद्रन वेंट टू शॉप टू बाय बटर। चंद्रन को ये बटर लानी थी, जैसे आप लाते हो बाजार से। ही चकड द पैकेट टू सी दिस बटर वॉज सेफ टू ईट। तो इसने ये इस बटर को देखा, इस पर डेट लिखा होता है, इसने देखा ये बटर ठीक है कि नहीं है। इट वॉज रिटन ऑन द पैकेट, पैकेट पर लिखा था बेस्ट बिफोर 118 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। जब इसको पैक किया गया है 118 डेज के तक ये ठीक है, अच्छी है, सेहत के लिए ठीक है। देन ही चेकड द डेट ऑफ पैकिंग, इट वॉज 15/1/06। तो इस पर डेट था ये 1 जनवरी 2006। ही हेल्प हिम टू फाइंड इफ ही कुड बाई दिस बटर और नॉट। हाँ, तो देखो इसको ये बटर अब खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है, इसको हेल्प करो। इन विच मंथ वॉज द बटर पैकड, यस जाहिर सी बात है जनवरी में, 15 जनवरी को। यस, विच मंथ विल इट बी 118 डेज आफ्टर। तो 118 डेज आपको देखने हैं, तो आपको 118 डेज को 30 से डिवाइड करना है। यस, इट इज 6 मंथ्स। हाँ, बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स। कैन चंदन ईट इट इन 15 मई 2006। तो क्या ये 15 मई को इस्तेमाल कर सकता है? 6 महीने तक ये कर सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। हाँ, अभी 1 महीना और है, ये इस मई महीने में ये कर सकता है इस्तेमाल। तो इस तरह आप ये खूब पढ़ो। देखो देखो, आप बिस्किट पैकेट लाते हो, इस पर भी लिखा होता है डेट ऑफ पैकिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी। आपके घर में कुछ वो होगा, वो टेबलेट होगी या कुछ वो दवाई होगी, सिरप होगी, बोतल होगी, तो उस पर भी लिखा होता है डेट ऑफ पैकिंग। यस, डेट ऑफ एक्सपायरी उस पर लिखा होता है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी उस पर लिखा होता है। तो आप ये देख लो, आज ये प्रैक्टिस कर लो और अपनी कॉपी पर लिखो। दो चार चीजें लाओ, जैसे इसने बटर लाई है, आप कुछ दवाई लाओ, बोतल लाओ या कुछ और लाओ, बिस्किट का पैकेट लाओ या कुछ और चीज होता है, तो उस पर होता है बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स, बेस्ट बिफोर 2 ईयर्स, बेस्ट बिफोर 1 मंथ। यस, उस पर लिखा होता है। या आप घर से, हाँ कुछ बच्चे सवेरे वो घर से वो खैबर दूध लाते हैं, उस पर भी लिखा होता है डेट ऑफ पैकिंग, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर उस पर लिखा होता है। आज आप यही एक्सरसाइज कर लो, हाँ खूब देख लो इसको और टेबल याद करो बेटा। टेबल को कभी नहीं छोड़ना, मैंने आपको पहले भी बोला है, हर रोज टेबल को एक एक वो उसका एक रिविजन करो, हर रोज 10 तक 5 तक 6 तक, हर रोज अपने छोटे भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ टेबल को खेलते खेलते आप याद करो। तो ईद आने वाली है कल परसों, तो आपको एडवांस ईद मुबारक है, हैप्पी ईद टू यू। और देखो बेटा, आपको ईदी मिलेगी, ईदी को खर्च नहीं करना, अपने लिए रखना, कुछ कॉपी लाना, कुछ अच्छी सी चीज लाना, हाँ फजूल खर्चे नहीं करना। थैंक यू वेरी मच माई डियर स्टूडेंट्स।